कैशो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ट्रेंडिंग मोबाइल फ़ोन के बारे में। जी हाँ, मेरे पास काफ़ी दिनों से कुछ मैसेज आ रहा है, मेरे को पूछा जा रहा है जो टॉप 10 ट्रेंडिंग डिवाइस है इसके बारे में एक अच्छे से वीडियो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो में इस टॉप 10 ट्रेंडिंग फ़ोन के बारे में आपको बताऊँगा। काफ़ी सारे एनालिसिस के बाद जो है ये रिपोर्ट जो है मैंने निकाला। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होना है, वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिए। एंड फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसमें जो है मैं कुछ डिटेल्स में आपको क्लियर करने वाला हूं अभी तक जो है टॉप 10 ट्रेंडिंग मोबाइल डिवाइस क्या हो सकता है। बजट फोन से लेके प्रीमियम डिवाइस तक सब कुछ जो है इस लिस्ट में है। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप मत करें, लास्ट तक देखिए। एंड फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के पास एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर मेरे चैनल के ऊपर नए नए विजिट किया तो आपको मेरे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके डिवाइस में सबसे पहले आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ टॉप 10 ट्रेंडिंग फोन, इसमें जो एक नंबर पे है फ्रेंड्स, सैमसंग गैलेक्सी A50। जी हाँ, सैमसंग गैलेक्सी जो A50 है काफ़ी अच्छा डिवाइस है। एंड इसका कुछ थोड़ा बहुत जो मेन स्पेसिफिकेशन है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको 6.4 इंच का आपको डिस्प्ले मिलने वाला है, 25 मेगापिक्सल का आपको कैमरा मिलने वाला है, 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको ये डिवाइस देखने को मिलेगा, 4000mAh की बैटरी है। एंड इसकी जो खुद का जो प्रोसेसर है एक्सिनोस 9610 चिपसेट आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी A50 इसमें जो है रैंकिंग में एक नंबर पे आता है। एंड फ्रेंड, रैंकिंग नंबर टू, जी हाँ, रैंक नंबर टू में जो डिवाइस आता है OnePlus 7 Pro। जी हाँ, OnePlus की तरफ से एक नया डिवाइस लॉन्च किया गया है, कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया था, OnePlus 7 Pro। OnePlus 7 Pro काफ़ी अच्छा डिवाइस है। इसका जो मेन स्पेसिफिकेशन है 6.67 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलने वाला है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है, 12GB रैम एंड 256GB जो है इसमें आपको इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा, 4000mAh की बैटरी है। एंड इसमें जो चिपसेट लगाया गया है फ्रेंड्स, क्वालकम स्नैपड्रैगन 855। तो फ्रेंड्स, ये जितने सारे डिवाइस का नाम मैं बताऊंगा इसके बारे में अगर आपको सेपरेटली कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपके क्वेश्चन की आंसर जरूर देने वाला हूं। रैंक नंबर थ्री, जी हां, रैंक नंबर थ्री में आता है ASUS ZenFone 6। जी हां, ASUS ZenFone 6 कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है, काफी अच्छा डिवाइस है। इसका कुछ मेन स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूं, 6.4 इंच का आपको डिस्प्ले मिलने वाला है, 48 मेगापिक्सल की कैमरे मिलने वाला है, 8GB रैम एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको ये डिवाइस देखने को मिल जाएगा, 5000mAh की बैटरी मिलने वाला है। एंड इसमें जो है चिपसेट लगाया गया है क्वालकम स्नैपड्रैगन 855। सभी जो डिवाइस है एंड्रॉयड पाई के ऊपर रन कर रहे हैं एंड कुछ डिवाइस एंड्रॉयड ओरियो के ऊपर रन कर रहे हैं, जो अपग्रेडेड हो जाएगा बहुत ही जल्दी एंड्रॉयड 9.0 पाइप में। तो फ्रेंड्स, अभी जो रैंक नंबर फोर आता है, रैंक नंबर फोर में जो है Honor 20, जी हाँ, Honor 20 Pro रैंक नंबर फोर में इसका नाम होता है। एंड इसका जो स्पेसिफिकेशन है 6.26 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलने वाला है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है, 8GB रैम एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको ये डिवाइस देखने को मिल जाएगा, 4000mAh की बैटरी है। एंड इसका जो खुद का प्रोसेसर है Kirin 980 आपको चिपसेट इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, रैंक नंबर फाइव में जो डिवाइस नाम आता है Samsung Galaxy A70। जी हाँ, Samsung Galaxy A70 भी काफ़ी अच्छा डिवाइस है। एंड A50, A70, A90 ये सब जो है एक साथ ही लॉन्च किया गया है, लेकिन अगर रैंकिंग के हिसाब से, कस्टमर की पॉपुलैरिटी के हिसाब से देखा जाए तो A70 जो है रैंक नंबर फाइव में आता है। इसका कुछ मेन स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो है 6.7 इंचेस का डिस्प्ले मिलने वाला है, 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है, 8GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको ये डिवाइस देखने को मिल जाएगा, 4500mAh की बैटरी के साथ आपको ये डिवाइस देखने को मिलेगा। एंड इसमें आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन 675 चिपसेट मिलने वाला है। जी हाँ, क्वालकम स्नैपड्रैगन 675 चिपसेट के साथ आपको ये डिवाइस देखने को मिल जाएगा। रैंक नंबर सिक्स की अगर बात करते हैं, रैंक नंबर सिक्स में आता है Xiaomi Redmi K20 Pro। जी हाँ, Xiaomi Redmi K20 Pro रैंक नंबर सिक्स में आता है। एंड इसमें जो है 6.39 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलने वाला है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है, 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको ये डिवाइस देखने को मिल जाएगा, 4000mAh की बैटरी है, क्वालकम स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट के साथ आपको ये डिवाइस मिल जाएगा मार्केट में ऑनलाइन स्टोर में। तो फ्रेंड्स, रैंक नंबर सेवन में जो डिवाइस आता है Redmi Note 7। जी हाँ, Redmi Note 7 काफ़ी पॉपुलर डिवाइस है, Redmi Note 7S भी निकल के आया है, Redmi Note 7 Pro भी है, लेकिन सभी का जो स्पेसिफिकेशन है लगभग सेम स्पेसिफिकेशन है। रैंक नंबर सेवन में Redmi Note 7 आता है। एंड इसका जो स्पेसिफिकेशन है
6.3 जिसका आपको डिस्प्ले मिलने वाला है, 48 मेगापिक्सल कैमरा मिलने वाला है, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको ये डिवाइस देखने को मिल जाएगा, 4000mAh की बैटरी है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 के साथ आपको ये डिवाइस देखने को मिल जाएगा। रैंक नंबर 8 में जो निकल के आता है फ्रेंड्स, रैंक नंबर 8 में रेडमी नोट 7S, अभी जो मैंने बात किया था रेडमी नोट 7S भी काफ़ी पॉपुलर डिवाइस है, 6.39 का डिस्प्ले मिलने वाला है, 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिलने वाला है, 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको ये डिवाइस देखने को मिल जाएगा, 4000mAh की बैटरी है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 चिपसेट के साथ आपको ये डिवाइस देखने को मिल जाएगा। एंड रैंक नंबर 9 में जो डिवाइस का नाम आता है फ्रेंड्स, हुआई P30 Pro, हुआई की तरफ से P30 Pro काफ़ी पॉपुलर डिवाइस है, काफ़ी फ्लैगशिप ग्रेड डिवाइस है। एंड इसका जो स्पेसिफिकेशन है, मेन स्पेसिफिकेशन 6.47 का आपको डिस्प्ले मिलने वाला है, 8GB रैम एंड 512GB, जी हाँ 512GB की जो है आपको इंटरनल स्टोरेज आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। हुआई की खुद की प्रोसेसर क्रेन 980 प्रोसेसर आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा, 4200mAh की बैटरी आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। रैंक नंबर 10 की अगर बात किया जाए फ्रेंड्स, सैमसंग की तरफ से रैंक नंबर 10 में एक डिवाइस है, सैमसंग गैलेक्सी S10, जी हाँ सैमसंग गैलेक्सी S10 आपको पता होगा एक प्रीमियम डिवाइस है, काफ़ी अच्छा डिवाइस है, 6.4 का डिस्प्ले के साथ आपको ये डिवाइस देखने को मिल जाएगा, 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, 12GB रैम के साथ आपको ये डिवाइस देखने को मिल जाएगा, 512GB इंटरनल स्टोरेज है इसमें। एंड इसमें जो है सैमसंग के खुद की जो प्रोसेसर है सैमसंग की एक्सिनोस 9820 आपको इसमें प्रोसेसर देखने को मिलेगा, एंड 4100mAh की जो है आपको बैटरी इस डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो टॉप 10 डिवाइस का मैंने नाम बताया एंड टॉप 10 ट्रेंडिंग डिवाइस को मैंने नाम बताया, ये सारे डिवाइस जो है एक बजट रेंज डिवाइस से लेकर एक प्रीमियम रेंज डिवाइस की मैंने एक कंपेयर करके ये लिस्ट बनाया है। तो फ्रेंड्स ये सारे डिवाइस काफ़ी पॉपुलर डिवाइस है एंड इसका जो स्पेसिफिकेशन है काफ़ी अच्छा स्पेसिफिकेशन है। अगर हम रेडमी नोट 7 एंड रेडमी नोट 7S को छोड़ के अगर इसके कंपैरिजन में डिवाइस को देखा जाए, Realme 3 Pro ये सारे डिवाइस आ जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अच्छा लगा तो लाइक करना। एंड फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन है कुछ डिवाइस के बारे में, अगर सेपरेटली आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपकी क्वेश्चन की आंसर जरूर दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक फ्रेश वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।